हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7। तो आपका स्वागत करते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रेन्यूल्स इंडिया का शेयर, जो कि मैंने पिछले दिन जो है यानी आपका 24 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाया था, अपलोड किया था। तो उसमें मुझे को बहुत सारे क्वेरी आए कि कुछ लोग जो है ऑप्शन में भी ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे फिर ऑप्शन डेटा को एनालिसिस करना पड़ा, और चूंकि 27 को रिजल्ट है तो उस चीज़ को मैंने मिस किया था। तो मैंने एक बार फिर से मैंने सोचा वो डेटा भी आपके साथ शेयर करें कि रिजल्ट में कैसा परफॉर्म किया है, पास्ट रिजल्ट में क्या क्या हुआ था वो भी आपको एक बार बता दिया जाए। और रहा बात जहां तक कि आपका ऑप्शन का, तो ऑप्शंस में जो लोग डिलीवरी उठाते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो बहुत ही गलत करते हैं, क्योंकि एक तो ये एक्सपायरी है और किसी भी समय आप एक्सपायरी में 50% जो है आपका प्रीमियम पर डे के हिसाब से आपका कम होता है यदि उसके स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट नहीं आता है। तो यदि आता भी है तो फिर भी वो डिग्रेड होता है, तो आपको वैल्यू नहीं मिल पाता है और इससे आपको नुकसान होता है। तो मैंने फिर भी सोचा कि यदि मंडे को क्या होगा नहीं होगा, कुछ लोग लॉस कर रहे हैं तो वो चीज़ जो है अवॉइड कीजिए, और मेरे इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सकता है तो उसको देखिए और एनालाइज कीजिए कि आपका व्यू क्या है। जो मैं कह रहा हूँ उससे आप कितना एग्री होते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ उससे आप एग्री हो ही जाए। आप अपना दिमाग लगाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और फिर जो है एक पोजिशन से एक डिसीजन लीजिए। हम फिर यहाँ पे बस डिस्कस कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए एक आइडियल कंडीशन में। तो आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहले जो हम एक चीज बताते हैं कि इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, ये क्या है, ये है हमारा जो है 27 जुलाई का रिजल्ट आना है 21 को, और इसके पहले के 11 मई को क्या हुआ था, 28 जनवरी जनवरी को क्या हुआ था, और 20 अक्टूबर को भी रिजल्ट डेट था, इस दिन क्या हुआ था। तो ये तीनों चीज को एनालाइज करके इसके इसके हिस्टोरिकल डेटा पे हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 27 जुलाई को क्या हो सकता है। तो उस सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, वो क्या है भाई, यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये दिख रहा है कि ऑप्शन में आपका नीचे की तरफ जो है पुट राइटिंग बहुत ही कम हुआ है। जो भी पुट राइटिंग हुई है वो ऊपर लेवल पे हुई है, यानी 80 के ऊपर हुई है, जो लगभग जो शेयर है 380 के आसपास बंद हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 12.7%, यहाँ पे भी 12% यहाँ 27%, कहाँ पे 390 पे 27% का एडिशन हुआ है, जो कि एक बड़ी बात है। इसका मतलब है कि सपोर्ट जो है ऊपर की तरफ खिसक गया है। यदि यहाँ से ये शेयर ओपन, तो ये जो 390 के ऊपर निकलता है और चांसेस ज्यादा है कि मंडे को ये 390 के ऊपर निकले और यहाँ पे सपोर्ट जो है यहाँ पे शिफ्ट हो। तो कॉल राइटिंग की देख लेते हैं, तो कॉल राइटिंग में देखिए अनवाइंडिंग हुई है, किस लेवल पे, 80 के लेवल पे अनवाइंडिंग, यानी ये रेजिस्टेंस नहीं है। अब जो रेजिस्टेंस है, अब एक लगता है रेजिस्टेंस जो है वो 385 का बनता है, यहाँ पे 23% का इजाफा हुआ है 385 पे, और मामूली सा जो फिर जो है 90 पे जो है वहां पे अनवाइंडिंग हुई है 5% शेयर की। यहाँ पे देखिए 34,100 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनवाइंड हुए हैं, और 95 पे मानी 85 पे 23% और 95 पर 38% का ह्यूज जो है कॉल राइटिंग हुई है। यानी यदि 85 निकलता है तो ये 95 क्रॉस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 90 पे सपोर्ट खिसका हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो ये चीजें हमें लगता है कि मंडे को ये 95 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेगा। वहां पे यदि आपने पहले के ऑप्शन खरीद रखे हैं तो वहां पे आप यदि 2 या 3 लॉट रखे हैं तो एक दो लॉट तो वहां पे 95 के आसपास में एक बार निकाल लीजिएगा, क्योंकि प्राइस जो है मूवमेंट बहुत तेजी से होगा और नीचे ऊपर होने पे आपको नीचे के भाव पे भी मिल जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा इस लेवल पे आपको अपने निकलना, और एक लॉट काफी होता है प्रॉफिट अच्छा खासा बनाने के लिए एक्सपायरी के समय। कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट एक्सपायरी के समय बनाना चाहिए, ज्यादा पैसा लगा के गंवाने का
स्ट्रेटजी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज है, तो ये मैंने बता दिया कि शिफ्ट ऊपर जो सपोर्ट है ऊपर की तरफ किसका है, और यहाँ पे 85 और 95 पे जो है रेजिस्टेंस लेगा। जो 85 निकल जाता है तो 95 तक इजिली ये पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि रिजल्ट, कि ये रिजल्ट क्या कहता है। तो रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं, हम लोग चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। तो चार्ट में हम देख रहे हैं कि पहले हम लोग 20 अक्टूबर का देख लेते हैं। तो ये है 15 अक्टूबर, ये है 14 से 20 अक्टूबर की चीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 अक्टूबर को भी एक यहाँ पे ये जो 14 से 20 का लोएस्ट पॉइंट था वो था 376, और हाईएस्ट जो बना था ये रिजल्ट के दिन का है 382 से 406, जो अभी का जोन है उस जोन में ये वाला सपोर्ट हाई बन के आ रहा 404 तक का। तो यहाँ पे भी, और उस दिन भी चूंकि 19 अक्टूबर एक्सपायरी के आसपास का ही दिन था तो ये लेवल आया था। और दूसरा लेवल जो था जहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था इसने, ये था 28 जनवरी का, और 28 जनवरी को ये हाई मारा था रिजल्ट के दिन 367 का, और लो था उसके एक दिन पहले की बात करें 22 जनवरी का, तो 336 से 366 यानी 30 रुपये का यहाँ पे भी जंप था, 30 रुपये लगभग यहाँ का जंप था एक दो दिन ट्रेडिंग सेशन में। और यहाँ पे भी देखिए ये 344 है 5 मई के बाद से, 11 मई तक हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 344 से लेके 70 तक का भाव, तो यानी यहाँ पे भी 30 पॉइंट का, तो 30 पॉइंट का मूवमेंट जो है, 30 रुपये का मूवमेंट जो है यहाँ पे मिला है। तो चूंकि अभी 80 का है तो यहाँ पे यदि हम 20-25 पॉइंट का वो मूवमेंट देखें तो 402 या 4 तक निकल के आता है। इस लेवल को यदि क्रॉस करता है तो ये फिर 405 निकल जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि 405 को आप देखिएगा, 405 एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ है क्योंकि वहां पे कॉल और ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। तो यहाँ से आप यदि टूट जाता है तो ये फिर नो डाउट अच्छा खासा फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट लेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाले सेशन में हम अच्छे वीडियो बना के आपके लिए लेके आए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।